हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपको एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने जो है कुछ दिन पहले एक जाल ख़रीदा था जो कि तालाब से मछली निकालने के लिए, और इसको दोस्तों जो कास्ट नेट कहते हैं, और वैसे तो दोस्तों जो है नॉर्मल भाषा में इसको जो है फेंकौआ जाल कहते हैं। और इससे आसानी से जो है तालाब में या फिर दोस्तों नदी में या फिर दोस्तों आप जो है कहीं से भी बड़ा सा नहर उहर में आप आसानी से इससे जो है मछली पकड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये कुछ इस तरीके का ये हमने जो है ये जाल ख़रीदा था। और फ्रेंड्स, इस जाल का खासियत ये है कि आप इसे चाहें तो अकेले भी जो है मछली पकड़ सकते हैं तालाब में या फिर दोस्तों नहर में। और इसका दोस्तों जो है आप देख सकते हैं लेंथ भी काफ़ी अच्छा खासा आपको जो है दिखाई दे रहा है, और इसमें आप दोस्तों बिना तालाब में उतरे हुए भी मछली आसानी से जो है पकड़ सकते हैं। और चलिए आपको दोस्तों बताते हैं कि हमने जो है इसको जो है कहाँ से परचेज़ किया है, यानी कि दोस्तों जो है कहाँ से ख़रीदा है इसको और कितने में हमने जो है इसको जो है ख़रीदा है। तो उससे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं कितना जो है आज का मौसम ज़बरदस्त सा है, और इसका दोस्तों जो है जो क्वालिटी है वो अच्छा खासा मुझे जो है देखने को मिला। और इसमें जो है कानी उंगली के साइज़ का हमने जो है इसको ख़रीदा था ताकि इसमें जो है छोटा से छोटा मछली भी आ जाए, तो इसलिए दोस्तों जो हमने जो है इस साइज़ का जो है ख़रीदा था। वैसे तो वहाँ पर जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा भी साइज़ का मिल रहा था, लेकिन ये दोस्तों जो है मुझे साइज़ पसंद आया। तो चलिए आपको बताते हैं कि हमने जो है इसको कहाँ से परचेज़ किया है। तो हमने तो दोस्तों जो इसको जो है पटना से परचेज़ किया है, और ये मुझे तकरीबन जो है 2500 रुपये में जो है पड़ा था, और ये 2500 रुपये में दोस्तों जो है कास्ट नेट मुझे जो है अच्छा लगा, और इससे भी दोस्तों जो है महंगे महंगे कास्ट नेट थे, तो हमने सोचा कि चलो एक जो है सस्ता वाला ही जो है पहले ख़रीद कर देखते हैं। तो इसीलिए दोस्तों जो हमने जो है इस कास्ट नेट को जो है ख़रीदा है। और आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें जो है मछली कितना छोटा छोटा भी आ जा रहा है, और जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये तकरीबन जो है 5-10 ग्राम का ही मछली होगा, फिर भी दोस्तों जो इस नेट में आ गया। और यही दोस्तों जो अगर थोड़ा बड़ा वाला नेट लेते तो उसमें ये मछली नहीं आ पाता। तो फिलहाल तो दोस्तों इस मछली को जो है हम पानी में डाल दे रहे हैं तालाब में। लेकिन एक बात और दोस्तों, जो इसको जो है ख़रीदने से पहले आप इसको जो है मतलब कि तालाब में फेंकने के लिए भी अच्छे तरीके से जो है सीख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत लोगों को जो है तालाब में फेंकने भी नहीं आता है कि किस तरीके से जो है इस जाल को फेंका जाता है, क्योंकि दोस्तों जो हम लोग को भी अभी जो है तालाब में पूरे तरीके से जो इसको फेंकने नहीं आ रहा है, नहीं तो ये दोस्तों जो बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करता है, और जितना ज़्यादा एरिया को दोस्तों कवर करेगा उतना जो है मछली ज़्यादा आने के चांसेस हो रहेंगी। तो इसलिए दोस्तों जो है अभी हाल फिलहाल में जो उतना ज़्यादा मछली नहीं आ पा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।